अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग जो है ना आपका भाई बताने वाला है अभी तक की लाइफ के बारे में। तो वीडियो को अभी स्टार्ट करने से पहले भाई मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा सर्दी के बारे में भाई को बताते हैं। देख सकते हैं आप भाई, मैंने कैप भी पहनी है, ये भी हुडी मिली हुई है और बर्फ़ चेक कर सकते हैं आप, अभी कई कई साइडों में बड़ी है, स्नो हुई थी रिसेंटली, मैंने वीडियो में बताया भी था जिस दिन हुई थी, वो भी वीडियो भी मैंने आपको अपलोड की थी और दिखाई थी। और सर्दी भाई बहुत ज़्यादा है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है, -7 -6, अभी लास्ट नाइट -5 था और आज भी मुझे अभी जो है वो मुझे लग रहा है कि आज भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली आज भी -4-3 होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। पहले तो लिमिट से ज़्यादा सर्दी थी भाई, ठीक है, मतलब के बंदे जमने वाला हिसाब हुआ था, ठीक है, बस जमे नहीं थे, अगर बाहर खड़े होते तो जम जाने थे। तो सर्दी बड़ी भाई, सर्दी बहुत अच्छा। आज आपका भैया आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेगा अभी तक का यूके का, ठीक है, एटलीस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं मुझे यूके आए, और अब आपका भाई रियलिटी को डिफ़ाइन करेगा कि यहाँ की लाइफ कैसी है, कैसे गुजार सकते हैं, क्या सोच के आना है, ठीक है, मतलब कि आपका मिशन क्या है, आपका फोकस क्या है, आपका डिसीजन क्यों है, किस वजह से आना पड़ रहा है, क्या रीज़न है, मुझे आना चाहिए ना ही आना चाहिए, ये सारा आप पे। आपका भाई आपको रियलिटी को डिफ़ाइन करेगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें, ठीक है। तो यार व्लॉग काफ़ी मैसेज आ रहे थे इंस्टा फेसबुक पे कि भाई व्लॉग नहीं आ रहा आपका, तो यार थोड़ा सा मैं बिज़ी था क्योंकि मेरी असाइनमेंट्स चल रही हैं, थोड़ी सी स्टडी पे भी थोड़ा सा भाई फोकस करना होता है, तो कुछ वहाँ बिज़ी था, अभी भी चल रही हैं, और जॉब वगैरह पे भी फिर थोड़ा सा जो है वो टाइम देना था, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। तो आज आके भाई ने कहा कि नहीं आज भाइयों के लिए जो है ना और व्लॉग ज़रूर बनाना, तो आज जल्दी मुझे उठना पड़ा सुबह 8 बजे के लिए कि मैं उठ के पहले व्लॉग बनाऊंगा, देन जॉब पे जाएगा। तो भाई यूके का एक्सपीरियंस इस तरह से है कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अकोमोडेशन इश्यूज हैं और वो अभी तक हैं यार, मतलब कि अभी तक अकोमोडेशन के इतने ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। मेरे अपने बड़े दोस्त आ रहे हैं और मतलब कि और भी जानने वाले कुछ मुझे, मेरे जो इधर जो मेरे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स बने हैं वो मुझे कहते हैं कि भाई कोई अकोमोडेशन हो तो बताना, कोई जॉब हो तो बताना, ठीक है। तो दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज़ ऑफ अकोमोडेशन एंड जॉब्स, तो बड़े मसले मसाइल हैं जॉब के भी और अकोमोडेशन के भी, ठीक है, क्यों है। अब मसला तो ये ना कि भाई क्यों है, रीज़न भी तो बताएं ना हमें कि क्यों इतने मसले चल रहे हैं, क्या वजह है, क्या हो गया, इतना बड़ा यूके है, किधर गई सारी जगह। तो भाई उसकी रीज़न ये है कि अगर आप बात करें 2019 जब कोविड आया था, तो कोविड के अंदर जो है ना वीज़ाज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो यूके ने सबसे ज़्यादा वीज़ाज़ दिए हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स हमारे यूके में ट्रैवल हुए, ठीक है। तो जब ऑब्वियसली बात है कि जब एक बच्चा उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए या किसी भी कंट्री में वो स्टडी के लिए जाए, तो फिर ऑब्वियसली जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको अवेल करता है, और कुछ का ज़्यादा ऑब्वियसली बच्चों का ज़्यादा अट्रैक्शन माइंड भी होता है यूके की तरफ। तो जब लिमिट से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रैवल करके आए ना, तो फिर भाई आप बताएं ना कि कहाँ कहाँ रहेंगे वो, इतनी तो जगह ही नहीं है, इतनी तो जगह बनी नहीं है ना, कहाँ पर एडजस्ट होंगे। मतलब यार आप यकीन करें, 2-2, 4-4, 5 लड़के पे रह रहे हैं, ठीक है, कि बस यार गुजारा हो जाए किसी तरह, इतना ज़्यादा इशू है। मुझे इतने सारे मेरे दोस्त कह चुके हैं कि यार हो तो हमें बताना, और मैं इतनी सारी मतलब कोशिशें की हैं, जो मिल रहे हैं वो इतने ज़्यादा कॉस्टली हैं कि यार नॉट अफोर्डेबल बात है, बंदा कैसे अफोर्ड करेगा, तो वो अफोर्ड हो ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा महंगे हैं, इतने ज़्यादा महंगे हैं। एक स्टूडेंट बंदा जिसने सुबह से उठ के काम पे जाना है, रात को आना है, खाना बनाना है, खाना भी खाना है, फिर अब सोना है,
बेसिकली अकोमोडेशन आपको सोने के लिए होती है, नथिंग एल्स। ठीक है ठीक है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो आते हैं यूके में इंजॉय कर रहे हैं, भाई वहाँ आपका बहुत पैसा है, पीछे फैमिली सपोर्ट है और बहुत इंजॉय। तो जो मैं जो है उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में, नॉट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पर्सन। ठीक है, जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में बंदे हैं जिनका ज़्यादा इस तरह का काम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनका क्या हिसाब है, उनके लिए क्या मुश्किलें हैं। ठीक है, तो उनके लिए यही सारी मुश्किलें हैं यार। इतना बंदा मुश्किल कर रहा है सिर्फ सोना, और उसके लिए इतने ज़्यादा पैसे पे करे अकोमोडेशन, तो ये मुश्किल है। ठीक है, अच्छा ये तो पहला मसला हो गया कि अकोमोडेशन इशूज़ हैं, अभी भी हैं, क्योंकि नेक्स्ट इनटेक में भी बहुत बच्चा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इनटेक में बहुत ज़्यादा बच्चा आ रहा है यार, अनलिमिटेड, मतलब मेरे अपने जानने वाले जो हैं वो इतने सारे आ रहे हैं, और उसके बाद सेकंड बोले कि मेरे कुछ जो हैं व्यूअर्स हैं वो मुझे मैसेजेस करते हैं कि भाई हम आ रहे हैं, क्या हमारा प्रोसेस होना चाहिए, कैसे रहेंगे, मतलब क्या सिचुएशन होगी, मतलब वो मुझे खुद कह रहे हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि किस लिमिट में जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो जब वो भी आएगा तो ऑब्वियसली फिर वो मसला भी आएगा, फिर अकोमोडेशन तो पहले ही मसला दे रही है, और ज़्यादा देगी तो थोड़ा सा जो है वो काम बढ़ेगा। बहरहाल भाई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं यार हो जाता है मैनेज किसी ना किसी तरह, फिर जब आप आएंगे तो फिर आपको करना तो है, एडजस्ट तो करना है। कोशिश करें, मैं अपनी हर वीडियो में आपको कह चुका हूँ, अपनी अकोमोडेशन का आपने करके आना है। ठीक है, करके ही आना है, वैसे नहीं आना, करके आए, थोड़ा लेट हो जाए करके आए, नो इशू, यूनिवर्सिटी का कोई मसला नहीं, करके आए। जॉब के वाले से बात कर लेते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जॉब थोड़ा टफ हो गई है, टफ वही बात, स्टूडेंट अनलिमिटेड है, टफ हो गई है, जॉब्स कम हैं, ढूंढनी पड़ती हैं, सर्च करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, मिल जाएंगी। ठीक है, मिल जाएगी, टाइम भी लग सकता है, हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, मिलेगी। स्ट्रगल कभी नहीं छोड़नी, ये बात आपने मेरी माइंड में रखनी है भाई, स्ट्रगल नहीं छोड़नी, यूके आया तो स्ट्रगल है और करते रहना है। ठीक है, एक दिन आप सक्सेस हो ही जाएंगे, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेसफुल स्टोरीज भी आपने यही सुनी है कि कोई बंदा पहले से ही सक्सेसफुल नहीं होता, सक्सेस को उसने किसी ना किसी तरीके से गेन किया हुआ है, उसके ऊपर स्ट्रगल की हुई है, वही आपने करनी है। या आपका भाई ये देखें जी, ये पीछे बड़े प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं, और ये मैं तो आसान है भाई, जब वापसी ऊपर आना होता तो ये देख लें बर्फ़, मतलब कि अभी तक है, अभी जो है 2-3 हो चुके हैं स्नो के हो गए, तो असल में ये है कि यहाँ पे जब स्नो हो जाती है तो फिर ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है, और वरना आपको पता है जो सूखी ठंड है ना भाई, वो तो बड़ी ख़तरनाक है और वो नुकसान भी होती है, तो उससे बचना है आपने। केयर यहाँ पे आपकी अपनी है, ठीक है, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप तो डरा दिया आपने यूके आने से, आप यूके आए, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। ठीक है, अब क्रिसमस भी आने वाला है, उस पर भी आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा कि कैसे ये लोग सजा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इनकी, किस तरह से हो रही हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस में ये सारी जो है आपको इस तरह के यूके से एक्सप्लोर करता रहूँगा मैं आपको चीज़ों से, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप हैं वो डरें और ना आएँ, यूके हैं, लेकिन जो रियलिटी है आपके भाई ने यहाँ सर्वाइव की है वो आपको बताया। मज़ा भी भाई बहुत है, इन्जॉय भी करते हैं, ठीक है, दोस्त ही आ रहे हैं, बड़े अच्छा टाइम गुजरता है। ठीक है, बाहर भी जाते हैं, खाना पीना भी करते हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग है, तो एंजॉय भी सब कुछ साथ है, एंजॉय तो भाई ज़रूर है ना लाइफ में, वो तो ज़रूरी है, ऐसे तो आप बाउंड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हेल्थ इफेक्ट पड़ेगा, बीमार हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे मसले हैं, तो परेशान नहीं होना, डरना भी नहीं, और भाई आ जाना है बस। ठीक है, तो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंस है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया पहले भी, सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आशा आपने पहले ही अपनी सामान वगैरह लेके आने, भाई शूज़ अच्छे लेके आने, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो जो आपके शूज़ होते हैं ना वो गीले हो जाते हैं, तो आपने कोई लेदर के चमड़े के कोई लॉन्ग शूज़ पर लेने हैं वो लेके आने हैं,
जब बर्फ़ पड़े तो उससे आप जो है वो वॉक वगैरह करें जहाँ भी जाना जा रहे, ताकि आपको इस तरह का मसला ना पड़े, सर्दी ना लगे, क्योंकि पाँव हाथ और सर ये तीन चीज़ें आपने कवर रखनी होती हैं सर्दी से बचने। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर भाई पसंद आ रहा तो फिर उसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और आगे शेयर भी करें, ठीक है। आप भाइयों को ही बस प्यार चाहिए, उसी प्यार से वीडियोस फटती जाएंगी। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।